देश भर में आजादी की 75 वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग की ओर से जिला आयुष अधिकारी विराज बाथम के निर्देश अनुसार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हरण गांव में कोरोना जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय हरण गांव के प्रभारी अंतिम विश्वकर्मा ने छात्र छात्रा को आयुर्वेदिक पौधे के औषधि गुणों के बारे में जानकारी दी तथा तो कोरोना काल के तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए अंतिम विश्वकर्मा ने शारीरिक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने और योग से निरोग कैसे करें, इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। संस्था के प्राचार्य श्री राम राठौर ने भी कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि शिक्षकों और छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए आयुर्वेद और योग अभ्यास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में आयुष विभाग द्वारा विद्यालय परिवार को औषधि पौधों का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे वर्ष देश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुष विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा निर्देश अनुसार एवं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर गिरिराज जी बाथम के आदेश अनुसार शासकीय आयुर्वेद औषधालय हरण गांव द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हरण गांव में रखा गया है, जिसमें बच्चों को कोरोना की तीसरी संभावित लहर से किस तरह बचाया जा सके इसकी जानकारी दी गई है एवं औषधीय पौधों के गुणों के बारे में बताया गया है एवं योग से शरीर को कैसे निरोग रखा जाता है वह जानकारी दी गई है। औषधीय पौधों को लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया है ताकि बच्चे एवं अपनी आने वाली पीढ़ी आगे स्वर्णिम जीवन को एवं निरोग जीवन जी सके। इस कार्यक्रम में स्कूल के समस्त स्टाफ का एवं आयुष विभाग के सभी स्टाफ का पूर्ण योगदान रहा एवं ग्रामीण जनों का पूर्ण योगदान रहा। धन्यवाद। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।